तस्वीरें आ रही हैं, प्लेन क्रैश हुआ है जिसकी हम आपसे कुछ देर पहले आपको बड़ी खबर बता रहे थे। इंडोनेशिया में जकार्ता से प्लेन ने उड़ान भरी थी, ये पैसेंजर प्लेन था और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, क्रैश हो गया ये प्लेन। जैसे ही टेक ऑफ किया उसके बाद इसका संपर्क टूट गया। इंडोनेशिया से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, प्लेन क्रैश की खबर आ रही है। श्री विजया एयरलाइंस का SJ182 प्लेन था ये जो क्रैश हुआ है। ये श्री विजया एयरलाइंस है और उसका SJ182 प्लेन है जो क्रैश हुआ है। इंडोनेशिया में जकार्ता से उड़ान भरने के बाद 250 यात्री सवार थे, विमान लापता हुआ है ऐसी जानकारी मिल रही है। इंडोनेशिया का यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है लेकिन अभी और ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है कि कहां। देखिए ये देखिए तस्वीरें सामने आती दिखाई दे रही है। इंडोनेशिया से इस वक्त की बड़ी खबर, टेक ऑफ के फौरन बाद संपर्क टूट गया, 250 यात्री सवार थे इस पर, राजधानी जकार्ता से उड़ान भरी थी पैसेंजर प्लेन ने, विमान के जो टुकड़े हैं वो बरामद करने की तस्वीरें भी आप देख सकते हो। तो राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है। SJ182 श्री विजया एयरलाइंस का ये प्लेन जिसने जकार्ता से जैसे ही उड़ान भरने के फौरन बाद इसका संपर्क टूट गया। जकार्ता एयरपोर्ट से टेक ऑफ के बाद विमान क्रैश हुआ और क्रैश होने के बाद अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 250 यात्री इस पर सवार थे। दरअसल इस विमान का संपर्क टूट गया था उड़ान भरने के फौरन बाद ही। 250 यात्री सवार थे, श्री विजया एयरलाइंस का SJ182 प्लेन है ये और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरी थी इस प्लेन ने। और ये देखिए ये प्लेन के कुछ हिस्से हैं जो रिकवर किए गए हैं और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ मनीष भी, और ज्यादा जानकारी अगर उनके पास है तो उनके पास चलते हैं। मनीष, ये जो प्लेन है इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? 250 यात्री सवार थे इस पर, क्या उनके बारे में भी कोई अब जानकारी मिल पा रही है? देखिए निश्चित तौर पर जो राहत टीम वहाँ पर पहुँची हुई है और विमान का मलबा भी मिला है और ब्लैक बॉक्स के जरिए ही पता चलेगा कि आखिरकार ये प्लेन क्यों क्रैश हुआ। लेकिन फिलहाल अभी अगर 250 यात्रियों के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिसे जीवित निकाला जा सका है और क्या स्थिति है यात्रियों को लेकर। लेकिन निश्चित तौर पर जकार्ता के उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब ये फ्लाइट टेक ऑफ हुई और महज पाँच मिनट के अंदर रडार से वो गायब हो गई और उसके बाद से प्लेन क्रैश की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। एक ऐसे एयरपोर्ट पर मैं आपको खुद बताऊं कि मैं खुद ही जकार्ता एयरपोर्ट से फ्लाई कर चुका हूं और वैसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जकार्ता एयरपोर्ट भी बहुत बेहतरीन संसाधनों के साथ है। ऐसी स्थिति में अब ब्लैक बॉक्स के जरिए ही पता चल पाएगा कि आखिरकार प्लेन क्रैश के कारण क्या थे। लेकिन जो अभी पहली विजुअल्स सामने आ रही है रेस्क्यू टीम की कि रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है और रेस्क्यू टीम को विमान का मलबा भी मिला है और जो तस्वीरें आ रही है उसके हिसाब से तो लग ही रहा है कि भयानक तबाही की तस्वीरें हैं। लेकिन अभी इंतजार करना होगा खास करके पैसेंजर्स की क्या स्थिति है इसके बारे में जानने के लिए। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह की जानकारी अभी तक मिल रही है उसके मुताबिक उड़ान भरने के 5 मिनट के बाद ही, जैसे मनीष हमें बता रहे थे, प्लेन क्रैश कर गया। जकार्ता की खाड़ी में ये प्लेन क्रैश किया उड़ान भरने के बाद, समंदर के ऊपर जब उड़ान भर रहा था वहीं पर ये प्लेन क्रैश कर गया। 5 मिनट के भीतर ही रडार से गायब हो गया, संपर्क टूट गया जिसके बाद इस प्लेन का क्रैश हो गया है, मलबा बरामद किया जा रहा है। लेकिन क्या हुआ वो जाहिर सी बात है पूरी जानकारी के बाद सामने आएगा। इस प्लेन में ये जो प्लेन है ये श्री विजया एयरलाइंस का प्लेन था और 250 यात्री इस पर सवार थे, लेकिन यात्रियों के बारे में अभी और ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। उम्मीद की जा सकती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बचाया जा सके। एक मिनट में इस जैसे ही उड़ान भरी उसके बाद इस प्लेन का क्रैश हुआ। देखिए ये तस्वीरें उस समय की हैं जब मलबे को बरामद किया जा रहा है। जकार्ता की खाड़ी है, उड़ान भरने के फौरन बाद वहां पर एक मिनट में 10,000 से 250 फीट नीचे आ गया था विमान, तो ये जानकारी मिल रही है। यानी एक मिनट में ही इसने फॉल लेना शुरू किया और सीधे 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गया और जिसके बाद ये प्लेन क्रैश कर गया। तो ये जो जानकारी मिल रही है, जाहिर सी बात है किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इस तरह की घटना हुई है। 26 साल पुराना था प्लेन, ये भी जानकारी मिल रही है। श्री विजया एयरलाइंस का ये प्लेन जो क्रैश हुआ है वो 26 साल पुराना था। और मनीष जो जानकारी मिल रही है वो ये भी कि एक मिनट के भीतर ही उड़ान भरने के बाद जब इसका संपर्क टूटा तो एक मिनट में ही ये 10,000 से 250,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। यानी बहुत ज्यादा तेजी से नीचे की ओर गिरा है ये विमान। जी हाँ, मनीष के पास भी जाएंगे, लेकिन देखिए जानकारियां एक एक कर हमारे सामने आ रही हैं। एक मिनट में ही ये विमान 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे हो गया। एयरलाइंस का जो ये विमान था श्री विजया एयरलाइंस का, ये 26 साल पुराना
प्लेन था जो क्रैश हुआ है। मनीष, आपको बता दें अगर जो जानकारी मिल रही है उसमें 26 साल पुराना प्लेन था और एक मिनट में ही ये 10,000 फीट की ऊंचाई से 250 फीट नीचे आ गया था। तो ये इसका मतलब कोई ना कोई टेक्निकल दिक्कत इस प्लेन में आई जिसकी वजह से इस तरह का हादसा हुआ है। जी हाँ, देखिए जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी तकनीकी गड़बड़ी थी जिसकी वजह से अचानक ही जब प्लेन 10,900 फीट की ऊंचाई से अचानक ही वो 7,650 फीट तक पहुंच गया नीचे। और ये जो प्लेन है ये प्लेन 1994 में कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस को सौंपा गया था और उसके बाद 2012 में श्री विजया एयर ने इस प्लेन को अपने पास ले लिया था। तो 2012 से पिछले 8 साल से ये प्लेन श्री विजया एयरलाइंस के पास था, लेकिन 26 साल पुराने इस प्लेन के साथ आज जब ये प्लेन क्रैश हुआ है और जैसे ही ये प्लेन ने टेक ऑफ किया 5 मिनट के बाद रडार से ये प्लेन गायब हो गया था और एक मिनट के अंदर ही एकदम ऊंचे से अगर आप कहें तो सीधे नीचे तक आ जाना, ये अपने आप में ही बताता है कि अचानक कोई भयानक तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ा है। बहरहाल क्या कुछ हुआ था नहीं हुआ था इसके मामले में तो मुझे लगता है कि आगे जब जाँच टीम बैठेगी ब्लैक बॉक्स मिलेगा तब पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो इंडोनेशिया सरकार की जो रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पर पहुँची है, मलबा कुछ मिला है, लेकिन वहाँ से पैसेंजर्स की स्थिति क्या है उसके बारे में मुझे लगता है कि अगले कुछ समय का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब हमें यह पता चलेगा। जो डिटेल्स आ रही है उस डिटेल्स के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर जब ये प्लेन टेक ऑफ हुई थी और उसके 5 ही मिनट के अंदर, तो इसका मतलब ही यही है कि जो इंडोनेशिया की जो सीमा है उसको भी वो क्रॉस नहीं कर पाई थी, इससे पूर्व ही वो प्लेन हादसे का शिकार हो गया। जी हाँ, इंतज़ार ये हो रहा है कि और ज़्यादा जानकारी मिले प्लेन क्रैश में जो यात्री थे उनके बारे में, लेकिन समंदर में जा गिरा ये प्लेन, वहाँ पर क्रैश हुआ है और इसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि इस प्लेन में किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी हुई, लेकिन क्या गड़बड़ी थी ये जाहिर सी बात है जांच के बाद जानकारी सामने आएगी। लेकिन एक ही मिनट में 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे तेज़ी से ये विमान पहुंचा है, तेज़ी से इसने हाइट लूज़ की है जिसके बाद क्रैश हुआ है, जकार्ता की खाड़ी में जाकर गिर गया, समंदर का वो इलाका है जैसे ही टेक ऑफ किया इसने। और मनीष, आप बता रहे थे कि आपने जकार्ता का जो ये एयरपोर्ट है आप वहाँ से गुजरे हैं, क्योंकि अब 5 मिनट के भीतर ही संपर्क टूट गया और फौरन ही क्रैश हो गया जकार्ता की खाड़ी में, समंदर में, यानी बहुत ही करीब ये प्लेन क्रैश हुआ है एयरपोर्ट से क्या? जी हाँ बिल्कुल, देखिए मुझे याद है 3 साल पहले जब मैं जकार्ता में था और वहाँ से मुझे कंबोडिया जाना था, तब हम लोगों ने जकार्ता एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया था और वहाँ से जब प्लेन यहाँ निकली और सिर्फ टेक ऑफ होने के 5 मिनट के अंदर ही प्लेन क्रैश हो गया, तो आप कह ही सकते हैं कि ये जो इंडोनेशिया की सामुद्रिक सीमा थी उससे भी बाहर नहीं निकल पाई थी और अचानक इतनी तेज़ी से 10,000 की फीट से नीचे प्लेन का गिर जाना ये अपने आप में ही बताता है कि इसमें कोई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी रहती है। हालाँकि मैं आपको सुमेरा बताऊँ, ये पूरा जो इलाका है जो समंदर का वो पूरा इलाका है, अगर मैं ये कहूँ तो कितना सही होगा वर्ड, लेकिन बहुत ही बड़ी मनहूसियत लेकर आता है। आपको याद होगा कि एक एयरलाइंस गायब हो गई थी, तो अक्सर जब हम लोग उस समंदर से क्रॉस करते हैं तो हमेशा एक आप कहते हैं कि आप ईश्वर को याद कर रहे होते हैं कि उस इलाके से आप ठीक ठाक गुजर जाएं, वरना सारे संसाधनों के साथ। और अभी तो जानकारी आनी बाकी है कि वो तमाम पैसेंजर्स जो इस प्लेन पर सवार थे उनके बारे में अभी कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। 20 साल पुराना ये प्लेन था, जकार्ता से उड़ान भरी थी, उड़ान भरने के फौरन ही बाद क्रैश हो गया, तेजी से हाइट लूज की इसने, एक मिनट के भीतर ही 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आया और उसके बाद समंदर में जा गिरा जकार्ता की खाड़ी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।